जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता अच्छे होंगे। और आप लोगों का देखिए दोस्तों, एसएसबी कांस्टेबल ट्रेड्समैन भर्ती 2023 का एडमिट कार्ड डाउनलोड हो रहा है और इसका जो है दोपहर में ही आ गया था। हम ड्यूटी पे थे, ड्यूटी से आए तब आपको जानकारी दे रहे हैं दोस्तों। तो आप लोगों को मैं जैसे पहले से बता रहा था कि एसएसबी ज़्यादा लंबा समय नहीं देती है आपको जो है एडमिट कार्ड देने में। एग्ज़ाम के लिए सीबीटी आपका एग्ज़ाम है 26 तारीख को है, 27 तारीख को, 26 दिसंबर 27 दिसंबर जैसा मैं पहले बता रहा था, या तो दिसंबर के लास्ट में जनवरी में आपका एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा, जो हमें वहां से सूचना मिली थी। तो दोस्तों, आपका एग्जाम का एडमिट कार्ड डाउनलोड हो रहा है और मैं अभी बाकी रणनीति पर बात करता हूं। एक बार आपको दिखाता हूं कैसे इसको डाउनलोड करना है और आपको एडमिट कार्ड भी दिखाता हूं। अपने भाई ने एडमिट कार्ड भेज दिया है, राजस्थान से है, तो एक बार दिखाता हूं आपको। तो ये देखिए, हम आ गए हैं वेबसाइट पर। वेबसाइट पर हमको सीधा सीधा डालना है ssbrect.gov.in पर। बस ये रिक्त वाला खोल देना है। इसमें देखिए सीधा सीधा दे रखा है डाउनलोड एडमिट कार्ड, आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड हो रहा है। डाउनलोड एडमिट कार्ड सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट 26/12/2023 27/12/2023 फॉर द पोस्ट फॉलोइंग पोस्ट अगेंस्ट द एडवर्टाइजमेंट पब्लिश इन द एम्प्लॉयमेंट न्यूज 26 मई 2023। तो आप देख रहे हैं इसमें ASI हेड कांस्टेबल, कांस्टेबल नॉन GD सभी का आ गया है। और आपको जो है अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर ले, मैं भी आपको दिखाता हूँ एडमिट कार्ड। तो दोस्तों ये देखिए, आप लोग जो है एडमिट कार्ड देख सकते हैं। भारत सरकार गृह मंत्रालय महानिदेशक कार्यालय सशस्त्र सीमा बल ईस्ट ब्लॉक 5 RK पुरम नई दिल्ली। ये आप देख रहे हैं ईमेल आईडी फ़ोन नंबर दोनों दे रखा है। कोई दिक्कत होती है तो इन चीज़ों को भी अपने पास रखा करो। आवेदित पद का नाम देखिए ड्राइवर हैं, ये हमारे भाई पिछली भर्ती में रह गए थे, ST से हैं, राजस्थान से हैं। और ये जो है पिछली भर्ती में शायद एक दो नंबर इनके कम थे, मतलब 45 नहीं थे, इसलिए रह गए थे। इस बार इन्होंने फिर से कोचिंग की मेहनत की और हमसे गाइडलाइन करते रहे इनको। और आज ये देखिए फिर से इनका एडमिट कार्ड आ गया है और इनका पेपर देखिए 26 तारीख को है। अभी हम देखते हैं पिता का नाम और इनका नाम हो गया। SC कैटेगरी है दोस्तों और परीक्षा कोड यहाँ पर दे दिया इनका जो है जयपुर में है। परीक्षा व तिथि एग्जाम ये देख सकते हैं आप लोग, राजस्थान जोधपुर में, जयपुर ने जोधपुर में है। IOM डिजिटल जोन, मतलब वही आपका ऑनलाइन CBT हो रहा है। और ये आपका देखिए समय, उपस्थित होने का समय 7 बजे का, प्रवेश बंद होने का समय 8 बजे, परीक्षा कोड ये है। और ये आपका होने वाला कमांडेंट भर्ती की तरफ से जो है जारी कर दिया गया। बाकी मैं अभी आपको जो है पूरा दिखाऊंगा, एक वो भी लेके आऊंगा आपके लिए कि आपका जो है क्या क्या लेके जाना है, ठीक है दोस्तों। तो आप लोग अपना एडमिट कार्ड देख लिए हैं, तो आपको देखिए मेहनत की ज़रूरत है बहुत ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पर जो है वैकेंसी की संख्या है कम, कितनी है 693 पोस्ट है और फॉर्म की संख्या ठीक ठाक है। और यहाँ पर जो है एडमिट कार्ड आपका 26, मतलब एग्ज़ाम डेट जो है आपकी 26-27 दिसंबर को है। एडमिट कार्ड डाउनलोड हो ही रहा है, जो मैं आपको दिखा दिया हूँ लाइव प्रूफ एकदम। और इसमें देखिए ASI और हेड कॉन्स्टेबल और नॉन GD तीनों के एडमिट कार्ड यहाँ पर डाउनलोड हो रहे हैं। आराम से अपने एडमिट कार्ड डाउनलोड करें और अपने जो है एग्ज़ाम देने जाएं। तो देखिए दोस्तों, अगर मैं सिलेबस की बात कर लूँ तो सिलेबस में देखिए आपका मैथ है, रीजनिंग है, हिंदी है और GK GS है, चारों पोर्शन हैं। और चारों पोर्शन जो है 25-25 के हैं, और 25-25 मैथ हो गया, हिंदी हो गया, GK हो गया और रीजनिंग हो गया, चारों, ठीक है। 100 क्वेश्चन होंगे, 100 नंबर के होंगे, नो नेगेटिव मार्किंग, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करके आने हैं, ठीक है, 100 के 100 क्वेश्चन करके आने। वो भी मैं बताऊंगा कैसे पेपर को सोल्व करना है, अभी ज़रूरी है आपको जो है ये जानकारी देना, ठीक है दोस्तों। तो मिलता हूँ फिर अगली वीडियो में, उसमें मैं बताऊँगा पूरा सिलेब को लेकर आऊँगा कि आपको क्या क्या लेके जाना, ताकि वहाँ पर भाग भाग के आप जो है परेशान हो जाते, लास्ट टाइम में आपको जो है कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। और दोस्तों आपको जो है हम शुरू से ही आपसे जुड़े हुए हैं, जब तक आपका ज्वाइनिंग लेटर जैसे 2020 वाले भर्ती वालों का, अभी वो अपनी अपनी बटालियन में ज्वाइन कर रहे हैं, 26 तारीख को है, कुछ का ज्वाइनिंग शुरू हो गई है, तो ऐसे ही आपको भी ज्वाइनिंग तक लेके जाएंगे। तो वीडियो में एकदम बने रहिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। SSB से जुड़ी यहाँ पर संपूर्ण जानकारी आपको हम देते रहेंगे, ठीक है दोस्तों। मिलता हूँ फिर अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।